नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि झारखंड पुलिस सर्विस कमीशन जो कि रांची जो कि रिक्रूटमेंट कर रही है असिस्टेंट टाउन प्लानर की दोस्तों, तो इसका फॉर्म आप किस तरह से भरेंगे स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल रजिस्ट्रेशन से ले कर प्रिंट तक, और प्रिंट आप कैसे करेंगे फुल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा दोस्तों। यदि आप इस फॉर्म को भर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर से जरूर देख लें दोस्तों, आपका फॉर्म गलत ना हो यही हम चाहते हैं दोस्तों। और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो कि ये फॉर्म को भरने वाले हैं, ऐसे में आपका भी अच्छा होगा और उनके लिए भी अच्छा होगा दोस्तों। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बताते हैं कि किस तरह से आपको फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन पेज पर आना होगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। फिर उसके बाद आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो सेशन है वो 20 मिनट तक के लिए रहेगा। तो दोस्तों आपको इस सारा फॉर्म को 20 मिनट के भीतर ही भर लेना है दोस्तों, ये ख्याल रहे। अब बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले नेम आपका नाम क्या है, फिर आपके पापा का नाम क्या है फादर्स नेम, फिर उसके बाद आपका मदर्स नेम, आपकी माँ का नाम क्या है, फिर जेंडर आपका मेल फीमेल जो भी आप हैं, फिर आप मैरिड हैं कि नहीं यस या नो दोस्तों, फिर उसके बाद आपके हस्बैंड का नेम यदि आप मैरिड हैं तो, यदि आप मैरिड नहीं है तो यहाँ हस्बैंड नेम नहीं देंगे यदि। फिर उसके बाद आधार नंबर आपको देना होगा, आधार नंबर कंपलसरी यहाँ नहीं रखा गया है दोस्तों, यदि आपके पास है तो आप दे, वरना आप नहीं भी दे सकते। फिर डोमिसाइल स्टेट देना होगा, यदि आप झारखंड के हैं तो झारखंड का डोमिसाइल है आपका तो झारखंड करेंगे, यदि आपका अदर स्टेट का है तो अदर स्टेट कर देंगे, अदर कर देंगे। अब नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो कैटेगरी आपका क्या है, अनरिजर्व है, EWS है, BC1 है, BC2, SC ST, ये सारे जो कैटेगरी है दोस्तों यदि आप झारखंड के हैं तभी आपका ये मान्य होगा दोस्तों, वरना आप अनरिजर्व में चले जाएंगे। फिर उसके बाद आप यदि प्राइमरी ट्राइब्स हैं ST कैंडिडेट लोग के लिए, यदि प्राइमरी मतलब कि यहाँ पर बहुत दिन पहले से आप लोग रह रहे हैं तो फिर यस करेंगे। फिर उसके बाद यदि आप रिजर्वेशन चाहिए आपको हैंडीकैप है तो यस करेंगे, वरना आप नो कर देंगे। मिनिमम 40% यदि आपका जो हैंडीकैप है 40% होना चाहिए हैंडीकैप, वरना नहीं होता ये आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं, तो यस करेंगे, यहाँ पे यस ही होगा, नो बहुत कम ही होगा दोस्तों। अब आपको यहाँ पर टाइप बताना हो किस तरह का डिसेबिलिटी है आपका दोस्तों। फिर उसके बाद क्या आप रिजर्वेशन के लिए क्लेम करना चाहते हैं स्पोर्ट्स बेसिस पर, स्पोर्ट्स बेसिस पर करना चाहते हैं तो यस करेंगे, वरना आप नो कर देंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पर यदि आप एक्स सर्विस मैन है तो यस करेंगे, वरना आप नो कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर अपना देना होगा, फिर ईमेल आईडी आपको यहाँ देना होगा, फिर आपका जो ईमेल आईडी है दोस्तों उसको आपको कन्फर्म करना होगा आपका, फिर ईमेल आईडी यहाँ पर आप कंफर्म कर दीजिएगा। फिर उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ देना होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी है दोस्तों 10th क्लास के मैट्रिकुलेशन पर जो भी डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप देंगे। तो उसके हिसाब से जो भी एज होगा यहाँ पर कट ऑफ डेट जो कि आप देख सकते हैं कि 01/08/2019 मतलब 1 अगस्त 2019 से इनका डेट जो भी होगा आपके एज का डेट से वो कैलकुलेट कर लेंगे दोस्तों। अब बात कर ले कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस की, तो आप जहाँ पर फिलहाल रह रहे हैं दोस्तों वो आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस हो गया, और परमानेंट एड्रेस मतलब जहाँ का आपका डोमिसाइल है, जहाँ पर कि आपका मूल प्रमाण पत्र है दोस्तों, जहाँ से आप डोमिसाइल बनवाए हैं वो आपका परमानेंट एड्रेस हो जाता है। यदि आपका दोनों एक है तो आप यहाँ पर सेम कर देंगे, यदि दोनों अलग अलग है तो आप यहाँ पर सेम नहीं करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको ये 13+5 18 होता है, इस तरह का कुछ आपको भी न्यूमेरिकल दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड एडिट कर देंगे, फिर उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा दोस्तों। तो मैं सब कुछ को भरता हूँ आपको दिखाता हूँ दोस्तों। तो फिर दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने सारा एप्लीकेशन फॉर्म को भर दिया है, आप लाइन वाइज देख लीजिए, इस तरह से ही आपको भी भरना होगा दोस्तों। तो यहाँ पर भरने के बाद दोस्तों आपको सेव एंड एडिट पर क्लिक करना हो, तो यहाँ पर आप यहाँ पर आपको बोला जाएगा कि एडिट का ऑप्शन आप और चेंज का ऑप्शन आपको फाइनल सबमिशन ये हो जा रहा है, इसके बाद आपको नहीं मिलेगा, आप ओके कर देंगे दोस्तों। ओके करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका जो नंबर आएगा वो आपको यहाँ पर शो कर जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर
ये प्रीव्यू दिखा रहा है कि मैंने क्या क्या भरा है दोस्तों। प्रीव्यू आपको एक बार देख लेना है, अपना प्रीव्यू सब कुछ सही है और फिर यहाँ पर आप फाइनल सबमिट कर देंगे। एक बार प्रीव्यू को अपना आप जो प्रीव्यू देंगे उसको आप गौर से एक बार सरसरी निगाहों से आप देख लीजिएगा कि आपका प्रीव्यू सब सही है। फिर उसके बाद आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और साथ में आपका पासवर्ड जो है वो आपको मिल जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो फिर दोस्तों यहाँ पर आप कंटिन्यू पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट पेज आ जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट पेज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा दोस्तों। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि डेट जो है 15 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक है दोस्तों। एक बात बोलना भूल गया मैं दोस्तों, वीडियो शुरुआत में ही बोलना था कि मैंने इसका डिटेल जो नोटिफिकेशन है दोस्तों उस पर वीडियो बना रखा है, तो आप वो वीडियो को जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। वहाँ पर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि आप एलिजिबल हैं या आप एलिजिबल नहीं है दोस्तों। फुल इन्फॉर्मेशन है उस वीडियो में, तो आप वहाँ वीडियो को जाके जरूर देखें दोस्तों। तो फिर दोस्तों यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ अपना क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे दोस्तों। फिर उसके बाद आपको कुछ इस तरह का यहाँ पर ओके डालना होगा दोस्तों। फिर उसके बाद यहाँ पर लॉगिन क्यों नहीं हुआ, एक मिनट दोस्तों। एक्चुअली दोस्तों आप लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ और रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ इस तरह से लिखना होगा दोस्तों, तब आप लॉगिन कर जाएंगे। देखिए मैं लॉगिन कर गया ना, तो फिर दोस्तों थोड़ा सा गलती हो गया था, कोई बात नहीं, आप लोग भी ऐसा गलती नहीं करेंगे, इसलिए तो वीडियो मैं बना दे रहा हूँ दोस्तों, ताकि मैं जो गलती कर रहा हूँ वो आप ना करें दोस्तों। कभी कभी थोड़ा मिस्टेक से ही फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है इस कारण से दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय भरा था दोस्तों, सेम सब कुछ वही है दोस्तों। तो आप यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिएगा अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक डिटेल। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एडुकेशनल यहाँ पे एक्सपीरियंस और अदर डिटेल की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको क्या क्या मांग रहा है दोस्तों। तो फिर दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ किस तरह से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। नेशनलिटी जैसा कि मैंने बताया, इंडियन है आपका तो इंडियन आप यहाँ देंगे। आइडेंटिटी मार्क आपका जो कुछ भी है दोस्तों, आपका मोल हो सकता है, आपका हाथ में मोल हो सकता है, आपका कहीं शरीर में मोल हो सकता है, कहीं कट मार्क हो सकता है, तो वो सारा कुछ आप आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पर आप दे देंगे। तो उसके बाद यहाँ पर आपको टेन कई बोर्ड तीन कौन सा बोर्ड से आप पास किए, टोटल कितना मार्क्स आपका था, आपका यदि पांच सब्जेक्ट था तो पांच सब्जेक्ट का टोटल मार्क्स मिला के कितना था और कितना आपका मार्क्स आया है दोस्तों। कई कभी कभी दिक्कत हो जाता है जो CGPA में है दोस्तों, उनको लिए दिक्कत हो जाता है, तो उनको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना होगा। जितना CGPA आपको आया उतना ही तो 9.5 कर दे दोस्तों, 95 से मल्टीप्लाई कर दे, उतना ही नंबर आपको ऑब्टेन हुआ है दोस्तों। अगर परसेंटेज की बात करें तो आप इस तरह से निकालेंगे, जितना आपका CGPA इंटू 9.5 कर दें तो आपका परसेंटेज आ जाएगा। तो उसके क्लास जैसे कि यदि आप जानते हैं फर्स्ट क्लास है या सेकेंड क्लास है या थर्ड क्लास है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं पासिंग ईयर की, तो आप कौन से ईयर पास किए यहाँ पर आप दे दीजिएगा दोस्तों। फिर सर्टिफिकेट नंबर की बात करें, सर्टिफिकेट नंबर आपका ऊपर में कोना में रहता है सर्टिफिकेट नंबर दोस्तों, तो वो देना होगा। यदि आपका सर्टिफिकेट पर सर्टिफिकेट नंबर नहीं है दोस्तों, तो फिर दोस्तों आपको घबराने की बात नहीं है, आप रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पर दे सकते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं 12 SS की हाईएस्ट सेकेंडरी, तो यहाँ पर भी सेम आपको बोर्ड देना होगा, कितना टोटल मार्क्स का परीक्षा हुआ, कितना मार्क्स आपको आया, कितना परसेंटेज हुआ दोस्तों, यहाँ पर क्लास क्या था, फर्स्ट सेकेंड डिवीज़न या थर्ड डिवीज़न की, कौन से ईयर में आप पास आउट हुए दोस्तों। फिर उसके बाद आपका सर्टिफिकेट का नंबर देना होगा। बात करते हैं ग्रेजुएशन की, तो ग्रेजुएशन में आप यहाँ देख सकते हैं कि यदि आप आर्किटेक्चर बी प्लानिंग और सिविल इंजीनियरिंग से किए हैं ग्रेजुएशन, तो आप यहाँ पर बोर्ड देंगे दोस्तों। फिर उसके बाद आपका कितना टोटल मार्क्स था दोस्तों, कितना आपने मार्क्स ऑब्टेन किया है, कितना मार्क्स आपको आया है, फिर उसके बाद आप यहाँ पर परसेंटेज देंगे, कितना टोटल परसेंटेज हो रहा है दोस्तों। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर क्या डिवीज़न है आपका, फर्स्ट डिवीज़न है आप, सेकंड डिवीज़न है, जो भी है आप यहाँ देंगे। फिर उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर कौन से ईयर में आप पास आउट हो रहे हैं दोस्तों, और सर्टिफिकेट का नंबर आप यहाँ देंगे। अब बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो पोस्ट ग्रेजुएशन यदि आप ये सारे ब्रांच से किए हैं दोस्तों, तो फिर आप यहाँ पर बोर्ड देंगे कौन से बोर्ड से किए हैं, कौन सा यूनिवर्सिटी से आपने किया है। फिर उसके बाद आपको टोटल मार्क्स कितना आया है, फिर मार्क्स कितना
नहीं यहाँ पर होगा टोटल मार्क्स आपको कितना आया, एक्चुअली टोटल मार्क्स कितना है, कितना का एग्जाम लिया गया है वो यहाँ पे दिया जाएगा दोस्तों आप, और फिर यहाँ पर परसेंटेज आप देंगे, फिर सेम सारा कुछ प्रोसेस सेम ही है दोस्तों। बस मैंने ये बता दिया कि कौन कौन से स्पेसिफिकेशन है दोस्तों, ये मैंने नोटिफिकेशन में भी बताया है दोस्तों, तो आप वहाँ पर जाके डिटेल में देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, यदि आप यहाँ पर आपसे पूछा गया है हैव यू ऑब्टेन एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर इंडिया न्यू दिल्ली, यदि आपके पास है दोस्तों तो आप यस करेंगे वरना आप नो कर देंगे। नो नहीं करना है यहाँ पर, बस आपको ऑप्शन देना है यस यदि होगा तो। अब यहाँ पर बात करते हैं कि क्या आप गवर्नमेंट ऑफ झारखंड में कहीं पर भी काम कर रहे हैं दोस्तों, तो फिर यहाँ पर यदि आप काम कर रहे हैं तो आप यस करेंगे वरना आप नो कर देंगे दोस्तों। अब यहाँ पर बात करते हैं क्या UPSC या फिर कोई पब्लिक सर्विस कमीशन से आपको प्रताड़ित किया गया है क्या दोस्तों, मतलब आप कुछ गलत काम करते हुए पकड़े गए हैं क्या कहीं, जिसके कारण UPSC ने आपको डिसेबल कर दिया और डिबेरर कर दिया हो दोस्तों। तो यहाँ पर आपको यदि ऐसा कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन में आपके साथ हुआ है दोस्तों तो आपको यहाँ पे यस करना होगा, यदि नहीं हुआ है दोस्तों तो नो करेंगे, यदि यस हाँ हुआ है तो दोस्तों यहाँ पर आपको कमीशन का नाम देना होगा, फिर कौन सा डेट में हुआ था वो देना होगा, कब तक हुआ था आपके साथ ऐसा वो देना होगा दोस्तों। मतलब आपको जैसे UPSC यदि करता है तो 3 साल का बैन लगा देता है, तो वैसे ही आपको यहाँ पर 3 साल का बैन का जिक्र करना होगा। यदि आपको कोई और पब्लिक सर्विस कमीशन करता है तो कभी कभी 1 साल कभी कभी 2 साल, तो वही यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों। फिर रिमार्क देना होगा कि आपका गलती था या फिर कुछ और भी प्रॉब्लम था दोस्तों। आप उसके बाद रिलेशनशिप आपको देना, इफ यू हैव रिलेटिव ऑफ चेयरमैन गजेटेड ऑफ JPSC तो यहाँ पर आपको रिलेशनशिप देना है, यदि आपका है कोई ऐसा JPSC में रिलेटिव तो आपको यहाँ पर देना होगा दोस्तों, नहीं है तो आप नहीं। अब बात कर लेते हैं कि ऊपर का जितना भी डॉक्यूमेंट आपने भरा है वो सही है, तो फिर यहाँ पर आप डिक्लेरेशन में टिक कर देंगे, फिर उसके बाद आप यहाँ पर भी टिक कर देंगे दोस्तों, फिर उसके बाद आप यहाँ पर प्लेस देंगे जो प्लेस से आप भर रहे हैं दोस्तों, आप अपना आपका घर कहाँ पर वो प्लेस देंगे, फिर उसके बाद आप यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू जो भी है 8+18 होगा यहाँ पर भर देंगे, फिर उसके बाद सेव एंड एडिट कर देंगे दोस्तों, तो आपका ये सेक्शन कम्प्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो फिर दोस्तों यहाँ पर आप सारा कुछ कंप्लीट कर लेंगे, इस तरह से देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इस तरह से भर लिया है फॉर्म को दोस्तों, आप इस तरह से आप भी भर लेंगे दोस्तों। इस तरह से भरने के बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको यस चूज करना होगा दोस्तों, फिर उसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे दोस्तों, सेव एंड एडिट। यहाँ पर आपको आपसे बोला जाएगा पार्ट वन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड, तो आप ओके कर देंगे दोस्तों, आपका पार्ट वन जो फॉर्म का था वो सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको अब फोटोग्राफ, आपका फोटो और आपका सिग्नेचर जो है वो अपलोड करना होगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपको ख्याल रखना है कि आपका जो फोटो है दोस्तों वो 15 KB से 25 KB के बीच में होना चाहिए, और जो आपका सिग्नेचर है दोस्तों वो 10 से 15 KB के बीच में ही होना चाहिए दोस्तों। तो फिर दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ दूसरा कुछ सेलेक्ट करके दे दिया, लेकिन आपको दोस्तों यहाँ पर फोटोग्राफ, आपका जो फोटोग्राफ है वो सेलेक्ट करना होगा दोस्तों। आप फोटोग्राफ ध्यान रखिए एकदम क्लियर होना चाहिए, उस पर ना चश्मा रहना चाहिए कुछ भी नहीं रहना चाहिए दोस्तों, एकदम आप सही फोटोग्राफ अपना दीजिएगा। यहाँ पर साइन आपको अप्रूव करना होगा दोस्तों, और साइन आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और स्कैन कॉपी होना चाहिए दोस्तों। यदि स्कैन कॉपी आप नहीं भी करा सकते तो कैमरा से खींच के आप उसको रिसाइज कर दीजिएगा कंप्यूटर से, या फिर आप मोबाइल से भी रिसाइज कर सकते हैं, आपका ऐप ये सॉरी दोस्तों वेबसाइट आता है रिसाइजर, वहाँ से आप जाके रिसाइज कर सकते हैं फ़ोटो को। तो फिर दोस्तों यहाँ पर आप रिसाइज कर लेंगे, फिर उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे, आप साइज देख लीजिए फिर से, सिग्नेचर का साइज है 10x15 और फिर फोटोग्राफ का साइज है 15x25 दोस्तों। तो फिर दोस्तों यहाँ पर आप जैसे फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दें तो आपको यहाँ पर JPSC गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह का नोटिफिकेशन आएगा, आप ओके कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फोटोग्राफ और सिग्नेचर, एक्चुअली मैं दूसरा फोटो ये दे दिया हूँ, लेकिन आप फोटो ही देंगे यहाँ पर दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर करना क्या होगा, फिर दोस्तों आप यहाँ पर पेमेंट प्रोसेस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, जैसे ही आप पेमेंट प्रोसेस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये पेज खुल जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आप SBI कॉलेक्ट से
या फिर SBI का ATM, आप किसी भी बैंक का ATM से ATM, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। आपको यहाँ पर 600 रुपये का पेमेंट करना हो तो यहाँ करेंगे कंटिन्यू टू पे यूजिंग SBI कॉलेक्ट करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आप ये कंटिन्यू करने के बाद फिर आप यहाँ पर पेमेंट का जो पोस्ट होता है, जो वेबसाइट होता है, यहाँ पर साइट हैज बीन मूव्ड टू न्यू, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा दोस्तों। मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक प्रोसेस को बता दे रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, फिर आपको प्रोसीड करना होगा। प्रोसीड जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पर आप आ जाएंगे, फिर आपको यहाँ पर सेलेक्ट स्टेट चूज करना होगा। आपको जैसे कि आपका झारखंड स्टेट है दोस्तों, यदि आपका जो भी स्टेट होगा, यदि आप झारखंड से तो झारखंड सेलेक्ट करेंगे, यदि आप कहीं से भी हैं दोस्तों तो आपको वहाँ का स्टेट सेलेक्ट करना होगा। फिर आप यहाँ पर सेलेक्ट टाइप आप किसमें देना चाह रहे हैं दोस्तों, यदि आप यहाँ पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दे रहे हैं तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे दोस्तों। फिर उसके बाद आप यहाँ पर सेलेक्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यहाँ पर आप अपना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में आप देना चाह रहे हैं यहाँ पर पेमेंट, तो फिर दोस्तों यहाँ पर झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन को सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे। फिर उसके बाद सबमिट करने के बाद आपका यहाँ पर सेलेक्ट पेमेंट कैटेगरी में सेलेक्ट पेमेंट आप देख सकते हैं कि आपका जो भी है असिस्टेंट टाउन प्लानर एडवर्टाइजमेंट नंबर, जो भी आपका ये वाला ही आप फॉर्म भरने वाले भर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका जो JPSC का जो रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सबसे पहले ही आपको आया था दोस्तों, जो कि आपको मालूम है दोस्तों, तो फिर वो आप यहाँ पर भर देंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे दोस्तों। तो फिर दोस्तों यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर फिर आप रजिस्ट्रेशन नंबर दे देंगे, फिर उसका सबमिट कर देंगे। प्लीज़ वेरीफाई द डाटा इंटर एंड ट्राई अगेन। तो यहाँ पर अगर तो एक्चुअली प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों, तो फिर दोस्तों यहाँ पर आपका अभी पेमेंट नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं दोस्तों, आप लोग पेमेंट करने के बाद फिर आप लोग का यहाँ पर आप लोग का जो फाइनल रिसिप्ट होगा दोस्तों, उसको आप ले लेंगे। साथ में दोस्तों आप जो फाइनल आपका सबमिशन होगा, तो उसके बाद आपको फाइनली आपको एक प्रोफॉर्मा, मतलब कि फाइनल जो एक ये होता है, क्या बोलते हैं उसको दोस्तों, फाइनल आपको आएगा एक प्रिंट आउट दोस्तों, उसको प्रिंट आउट करवा लेना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक बनता है दोस्तों, और सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। लास्ट में ही बोला लेकिन ज़रूर बोलता हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए।